नमस्कार, वैश्वपा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं व्यापार जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में कर्मचारियों और सेवा योजक का पीएफ में योगदान घटाकर 10% करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि शेयर आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश की सीमा बढ़ाकर 15% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस समय ईपीएफओ ईटीएफ में 10% तक निवेश करता है। केंद्र सरकार एयर इंडिया के परिचालन से बाहर निकलने की योजना बना रही है। ये जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी है। जेटली ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जेट एयरवेज, इंडिगो, गो एयर जैसी कई निजी विमानन कंपनियां हैं। अगर 86% विमानन बाजार निजी क्षेत्र संभाल सकता है तो वे 100% को भी चला सकता है। कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी व्यवस्था से बाहर रखे जाने का पेट्रोलियम कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तेल कंपनियों का मानना है कि जीएसटी एक श्रृंखलाबद्ध कर प्रणाली है। ऐसे में कुछ उत्पादों को इसके दायरे से बाहर रखे जाने से कर प्रणाली की कड़ी टूट जाएगी और इसका लाभ उन कंपनियों को नहीं मिल पाएगा जिनके उत्पाद इसके दायरे से बाहर होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ऐसे स्वदेशी रॉकेट को विकसित करने पर काम कर रहा है जिसका वजन 200 व्यस्क हाथियों के बराबर होगा और भविष्य में इसके जरिए भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जा सकेगा। इसरो के अध्यक्ष एसएस किरण कुमार ने कहा है कि हम ये सुनिश्चित करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि ये नया पूरी तरह आत्मनिर्भर भारतीय रॉकेट अपने पहले ही प्रक्षेपण में सफल हो। प्रमुख रियलिटी कंपनी डीएलएफ का शुद्ध ऋण जनवरी मार्च की तिमाही में लगभग 700 करोड़ रुपए से बढ़कर 25,096 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी का कहना है कि मकानों की कमजोर मांग का असर आलोच्य तिमाही में उसके वित्तीय प्रदर्शन पर पड़ा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे खबरों के साथ। समस्या तो हर जगह होती है, लेकिन समस्याओं का निवारण करना ही उचित होता है। सिस्टम तो खराब हो जाता है, लेकिन सिस्टम को सही करना ही अच्छा होता है, जिसे हमें खुद सही करना होगा, क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम खुद सिस्टम का हिस्सा हैं। आज सिस्टम को चलाने के लिए एक युवा प्रत्याशी की जरूरत है, ताकि वो सिस्टम को बोझ नहीं अपनी जिम्मेदारी समझे। सबको सम्मान, सबको अधिकार। इस बार युवा प्रत्याशी होंगे जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार युवा है, नेक है, ईमानदार है और हमारे वार्ड नंबर 1 के प्रति वफादार है। तो फुलवारी नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार को भारी मतों से विजय बनावे, जिनका चुनाव चिन्ह है वायुयान यानी हवाई जहाज। याद रखिए दोस्तों, युवा लोग ही हमारे इंडिया का भविष्य है, तो क्यों ना युवा को आगे रखकर अपने वार्ड को आगे रखे, ताकि देश भी आगे रहे। वार्ड के विकास के लिए वायुयान यानी हवाई जहाज के बटन को दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। जितेंद्र कुमार में जोश है, कुछ करने की ललक है, ऊर्जा है और सबसे बड़ी बात, वह जमीनी स्तर से लोगों से जुड़े हुए हैं, जिससे दूसरे लोगों की समस्या को अपनी समस्या समझते हैं। आज आपके वार्ड को एक ऐसे ही प्रत्याशी चाहिए, ताकि वार्ड के साथ साथ लोगों के जीवन में भी सुधार हो। जितेंद्र कुमार में ये सारे गुण हैं, जिससे वो लोगों के जीवन में सुधार कर सकते हैं। याद रखिए भाइयों और बहनों कि ईवीएम मशीन के क्रम संख्या 2 में वायुयान और हवाई जहाज में बटन दबाकर जितेंद्र कुमार को विजय बनावे। सबका सम्मान, सबका अधिकार। वार्ड को चाहिए जितेंद्र कुमार। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और चलिए नजर डालते हैं खबरों पर। जसपुर के उद्धम सिंह नगर बाल विकास परियोजना अधिकारी के खाते में 20,50,000 रुपए निकालने के मामले में पुलिस ने मुरादाबाद स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के ब्रांच व ज्वाइंट मैनेजर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 2 फरवरी 2017 को कान्हा इंटरप्राइजेस संस्था के नाम से बने चेक का मुरादाबाद स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से भुगतान किया गया था।
कैलिफोर्निया की एक झील में उबर कंपनी के सीईओ ट्रेविस कालानिक की मां की दुर्घटना में मौत हो गई। कंपनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 71 साल की बोनी कालानिक पति डोनाल्ड के साथ बोट राइडिंग के लिए गई थी, जहां पाइन फ्लैट झील में बोट एक चट्टान से टकरा गई, जिससे दोनों झील में डूब गए। बैंकों का 9000 करोड़ रुपए लेकर लंदन फरार हुए विजय माल्या पर प्रवर्तन निदेशालय शिकंजा कसने की पूरी तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी अपनी चार्जशीट तैयार कर चुकी है और जल्द ही उसे माल्या के खिलाफ लंदन की कोर्ट में दाखिल भी कर देगी। खबरों के मुताबिक मामले की सुनवाई की अगली तारीख 13 जून को रखी गई है। कंप्यूटर की एक वैश्विक गड़बड़ी के कारण ब्रिटिश एयरवेज को हीथ्रो हवाई अड्डे से अपनी सभी उड़ानों को रद्द करना पड़ा। इससे मुसाफिरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कंपनी ने इस वैश्विक गड़बड़ी के लिए माफी मांगी और कहा है कि वो जल्द से जल्द इस गड़बड़ी को दूर करने की कोशिश कर रही है। चांदी में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है। विदेशों से मजबूती के रुख और औद्योगिक इकाइयों की ओर से उठान बढ़ने से शनिवार को चांदी 170 रुपए की तेजी के साथ 40,270 रुपए प्रति किलो हो गई, जबकि सोने में आज स्थिरता बनी रही। छिटपुट सौदे के बीच सोना 29,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा। हालांकि विदेशी बाजारों में सोने में भी तेजी रही। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। व्यापार जगत से जुड़ी बाकी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए विश्व व्यापार न्यूज। नमस्कार।